गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं मिनिमल पॉलीनोमियल की। ठीक है, तो मिनिमल पॉलीनोमियल होती क्या है सबसे पहली चीज़। ठीक है, किसके लिए डिफाइन होती है? तो मैं आपको कह रही हूँ कि टी वी से वी, ठीक है, एक लीनियर ऑपरेटर है। क्या है? एक लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, वी जो है आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है, क्लियर। एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ऑपरेटर है, फाइनाइट डायमेंशन का है जो वेक्टर स्पेस आपने लिया हुआ है। तो कहते हैं एक पॉलीनोमियल आएगी, उसको हम डिनोट करेंगे एम एक्स से। किससे डिनोट करेंगे? एम एक्स से। अब ये जो पॉलीनोमियल होगी ये किस में बिलोंग करेगी? ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स में। अब इस एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? जब ग्रुप एंड रिंग्स पढ़ा था तो हमने इस तरह का एक फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या आती हैं? सारी पॉलीनोमियल्स आती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स टाइप का होगा। एफ ऑफ एक्स टाइप का होने का मतलब क्या है? जो स्केलर्स आप चूज करोगे ना इस पॉलीनोमियल के लिए, वो सारे फील्ड से आएंगे। मीन्स जहाँ पे वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, क्लियर। और एक्स में वो पॉलीनोमियल होगी, क्लियर है। एक्स में उस पॉलीनोमियल को लिखोगे, जो स्केलर्स उसमें यूज़ करोगे ना, से जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के जो भी पॉलीनोमियल आप लिखोगे, तो ये जो स्केलर्स आप चूज़ करोगे ये कहाँ से होने चाहिए? फील्ड से होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब तुम क्या कह रहे हो कि ये जो एम एक्स है ना, इसको क्या बोल रहे हो? मिनिमल पॉलीनोमियल। इसको क्या बोल रहे हो? मिनिमल पॉलीनोमियल। भाई इसके पास ऐसी क्या खास बात है कि आप इसको मिनिमल पॉलीनोमियल बोल रहे हो? सबसे पहली चीज, एमएक्स क्या होना चाहिए? मोनिक होना चाहिए। एमएक्स कैसी पॉलीनोमियल होनी चाहिए? मोनिक पॉलीनोमियल होनी चाहिए। अभी बात करेंगे मोनिक क्या होते हैं। सेकंड चीज क्या है कि जो एमएक्स है वो एनिहिलेट करे। एमएक्स क्या करे? एनिहिलेट करे एम टी। ठीक है, मीन्स एम एक्स क्या करे? एनिहिलेट करे। दैट मीन्स एम ऑफ टी क्या होना चाहिए? जीरो। तीसरी कंडीशन, अमंग ऑल द पॉलीनोमियल्स, अमंग ऑल द पॉलीनोमियल्स विच एनिहिलेट टी, ठीक है, विच एनिहिलेट टी, एम एक्स जो है ना वो सबसे लोवेस्ट डिग्री की होनी चाहिए। एम एक्स क्या होना चाहिए? सबसे लोवेस्ट डिग्री का होना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब देखो, समझो इस चीज़ को। एम एक्स मोनिक होना चाहिए। एम एक्स मोनिक होने का मतलब क्या है कि इसका जो हाइएस्ट डिग्री का कॉफिशियंट्स होगा ना, हाइएस्ट डिग्री का कॉफिशियंट वो वन होना चाहिए। हाइएस्ट डिग्री का कॉफिशियंट क्या होना चाहिए? वन। मतलब इसमें किस तरह की पॉलीनोमियल्स आएंगी? अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो कुछ इस तरह की, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, से इस तरह की कोई पॉलीनोमियल है तो ये जो एक्स क्यूब मीन्स हाइएस्ट आप देख रहे हो, इसका कॉफिशियंट कितना है? वन। तो इस तरह की मोनिक हो जाएगी। ये पॉलीनोमियल कैसी हो जाएगी आपकी? मोनिक। अब आगे चलो, नेक्स्ट। एम एक्स क्या करे? एनिहिलेट करे किसको? टी को। एम एक्स क्या करे? एनिहिलेट करे किसको? टी को। अब एनिहिलेट का मतलब होता है उसको पूरी तरह से वैनिश कर देना। एनिहिलेट का जो है लिटरली अगर मीनिंग निकालें तो होता है टू वैनिश, टू वैनिश, ये होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? टू वैनिश। ठीक है भाई, वैनिश का मतलब क्या हो गया? ये हम जब ड्यूअल स्पेस पढ़ेंगे ना, इससे पहला चैप्टर जो हमारा रह गया है, तो वहाँ पे आएगा एनिहिलेशन। ठीक है, अभी के लिए आप समझो एनिहिलेट करने का मतलब क्या होता है कि से आपके पास कोई पॉलीनोमियल थी एम एक्स, ठीक है, ये क्या कर रही है? एनिहिलेट कर रही है टी को। मतलब जब आप एक्स के प्लेस पे यहाँ पे टी पुट करोगे, मतलब वो जो टी पुट करेंगे, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्लियर हुआ? से कोई पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, ये थी आपने, जैसे हम मैट्रिक्स रखते थे, याद आया कुछ? मैट्रिक्स रखते थे, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो वैसे ही मिनिमल पॉलीनोमियल होगा। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रखते थे? वो मैट्रिक्स रखते थे ए क्यू प्लस फोर ए टाइप करके, अगर आपको समझ आ रहा है तो। सेम चीज़ यहाँ पे है, एम एक्स जो भी आपके पास पॉलीनोमियल होगी, जब आप उसमें टी पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो एम एक्स क्या करे? एनिहिलेट करे टी को। मतलब एम टी इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स के प्लेस पे जब आप टी पुट करोगे तो आंसर क्या है? जीरो। थर्ड, अमंग ऑल द पॉलीनोमियल विच एनिहिलेट टी, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलीनोमियल होंगी जो टी को एनिहिलेट करेंगी, जो क्या करेंगी? टी को एनिहिलेट करेंगे, मीन्स एम ऑफ एम टी इक्वल टू जीरो, है ना। एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, बहुत सारी पॉलीनोमियल्स होंगी मोनिक पॉलीनोमियल, सच दैट एम वन टी इक्वल टू जीरो, एम टू टी इक्वल टू जीरो, एनिहिलेट करेंगे सारी टी को। तो इनमें से जो एम एक्स है ना, एम ऑफ एक्स, मतलब एम एक्स जो होगी वो सबसे लोवेस्ट डिग्री की होनी चाहिए, वो सबसे लोवेस्ट डिग्री की होनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए M1 मैंने ले ली, से वो है आपकी 3 डिग्री की। M2 मैंने ले ली, वो 5 डिग्री की है। M7 मतलब इस तरह से M3 आपने ले ली, वो जो है 6 डिग्री की है।
और जो m है ना वो 2 डिग्री की है, कर तो सारे ही एनिलेट है ना, ये जो है सारे t को एनिलेट कर रहे हैं, मतलब m t इक्वल टू 0 है, m1 t इक्वल टू 0 इस तरह से, लेकिन सबसे लोवेस्ट डिग्री की कौन है, mx। तो इस mx को आप लोग क्या कह देंगे, मिनिमल पॉलीनोमियल। ठीक है, तो तीन कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है, mx आपका मोनिक होना चाहिए, mx एनिलेट करे t को, और mx जो है वो आपका क्या करे, सबसे लोवेस्ट डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसी पॉलीनोमियल को आप लोग क्या कहेंगे, मिनिमल पॉलीनोमियल। ठीक है,